हे एवरीवन, इन दिस क्लास आज हम करने वाले हैं ईसोप्स। बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर है। आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है प्रैक्टिस मैनुअल का। एंड इसमें 4 से 5 पार्ट्स टोटल होते हैं। ईसोप्स हो गया एंड स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स हो गया, ESPP हो गया एंड कैश ऑल्टरनेटिव हो गया। तो हम मेनली इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं ईसोप्स, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। सो ये जो आप ये नोट्स जो है मैंने प्रिपेयर किए हैं, इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि मैं अभी कुछ मतलब यू नो आपको बता सकूं। एंड प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप अपने नोट्स ही रेफर करें, ऐसे नहीं करना। आपको भी बहुत सारे नोट्स कलेक्ट कर करके आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। ट्राई कीजिए एक ही जगह से मल्टीपल रिवीजन कीजिए, एंड प्रोवाइडेड वो नोट्स हैं आप बिल्कुल कंप्लीट हों। एंड प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए अपने टीचर पर, जो भी उन्होंने आपको लिखवाया है। एंड अगर आपको कुछ भी नोट्स से मतलब एक्स्ट्रा लगता है तो आप मार्क कर लीजिए, मतलब देख लीजिए आपकी मर्जी है वो। बट एक ही यू नो टॉप नोट्स पे फोकस कीजिए, अलग अलग जगह से पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। ईसॉप्स के बारे में है, तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कंपनीज जो है ऑफर करती हैं ऑप्शन, ये बोलते हैं स्टॉक ऑप्शंस। एंड कंपनीज में देती है ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ले सकते हैं कंसेशनल रेट पे शेयर्स उस कंपनी के। बट ऐसा तो कोई मतलब करेगा नहीं, कंसेशनल रेट पे मिल रहे हैं तो मतलब बिल्कुल इतना डिस्काउंट कैसे दे दिया। कंडीशन होती है इसके अगेंस्ट कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए उस कंपनी में रहना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज वगैरह देनी पड़ेंगी, तभी आपको फॉर श्योर वो कंसेशनल रेट पर शेयर्स देने के लिए अग्री हुए हैं। तो ये होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉयज़, वेयर एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड शेयर्स एट कंसेशनल रेट देन मार्केट रेट अगेंस्ट वेस्टिंग कंडीशन। सो टर्म्स यूज होंगी क्वेश्चंस में विच आर दीज। ग्रांटेड है, ग्रांटेड का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हमें वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ उस दिन कोई एंट्री नहीं होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, जनरल एंट्री इज ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, नो एंट्री। तो ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन ग्रांट डेट, उसी दिन जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें लिखा होगा कि इस दिन जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंटर हुआ है एंड इस दिन जो मार्केट प्राइस दे रखा है शेयर्स का, मतलब वो उसकी शेयर की वर्थ है, वैल्यू ऑफ शेयर है। एंड दे रखा होगा एक्सरसाइज प्राइस, मीन्स जो एम्प्लॉय को एक्चुअली में पे करना है अपनी कंपनी को। एंड वो होता है एक्सरसाइज प्राइस, जो मतलब एम्प्लॉय एक्चुअली में पे करेगा अपनी कंपनी को। एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है, मीन्स इतने पीरियड में, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर शेयर्स, ठीक है। एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहता है, जैसे हमने एसएफएम में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर सब्जेक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि बायनोमियल मॉडल, बाय ब्लैक शोल्स मॉडल, उसमें हम फेयर वैल्यू निकालते हैं शेयर की, ठीक है। तो वो होती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन की। तो वो होती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वही मतलब यहाँ पर वही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर वो गिवन होती है तो हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी फेयर वैल्यू को पहले। एंड नेक्स्ट एक और होती है वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हमने ऊपर पढ़ा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर। अब मार्केट प्राइस होती है एक्चुअल वर्थ कितनी है शेयर की, और एक्सरसाइज प्राइस जो हमें देना है, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, जितना कि बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को, मतलब इतना जो डिस्काउंट है, इतना माइनस करने के बाद इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतने ही वर्थ के जो है वो अपना काम निकलवाएगा कंपनी, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय से इतने का काम निकलवाएगा, मीन्स उसके लिए इतना जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो गया एम्प्लॉयर के लिए, तो वो इसी वर्थ का काम अपने एम्प्लॉय से मतलब उस पीरियड में जो निकलवा लेगा। तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड अगर क्वेश्चन में दोनों के दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं, तो नीचे एक तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो उसके एट द एंड सबसे पहले देखना होता है कि मैं कैलकुलेट करना क्या है। वहाँ पर बहुत कुछ ना कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा होता है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग टू एंड पूरा का पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। एंड वहाँ पे दे रखा होगा कि अगर दोनों वैल्यूज होंगी तो फेयर वैल्यू से करना है या फिर आईबीएस से करना है। बट अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो प्रेफरेंस दी जाती है फेयर वैल्यू को, तो इसका यूज हमें क्वेश्चन में करना होता है। अब नेक्स्ट आएगी एंट्रीज वाला पार्ट, इसमें जो है ऑन द रेट ऑफ ग्रांट, जैसे कि मैंने बोला कि इस दिन कोई एंट्री नहीं होती है, तो अगर इस दिन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जिट रेट वगैरह गिवन होगा कि इतने एम्प्लॉयज़ ने एग्जिट कर दिए कंपनी से। अगर इस दिन का गिवन है एग्जिट रेट, इसके कोई रेलिवेंस नहीं है क्वेश्चन में, इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला है। बट एक क्वेश्चन देख लेंगे तो मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगी इसके बारे में। नाउ एट द ईयर एंड और डेट ऑफ वेस्टिंग विच एवर इज अर्लियर, लाइक एक क्वेश्चन आएगा उसमें 6 मंथ्स का ही पीरियड दे रखा है वेस्टिंग का, एंड और एड वो ईयर एंड में भी दे रखा है, मतलब 31 मार्च दे रखा है और वही वेस्टिंग डेट है, ठीक है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है, मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट। वो क्वेश्चन आई थिंक स्टडी मैट का क्वेश्चन है, वो बता दूंगी मैं आपको। अब एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल होने वाली है इसमें क्या, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन की, हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उनको।
सो जितना मैंने जो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू का जो डिफरेंस जो इंट्रेंसिक वैल्यू आई थी मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो था हमारा वो खर्चा था वो हमारा एक्सपेंस बुक कर लेंगे और एक्सपेंस का नाम क्या होगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट ये जाएगा हमारा एसपीएल में एंड एंट्री क्या होगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन इसे बोलेंगे ईसी और ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट ये है ईएसओ बोलेंगे इसे इसे दिखाएंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस वाले पार्ट में एंड अब हम ये हमारा एक्सपेंस है हम इसे क्या करेंगे एसपीएल में ट्रांसफर कर देंगे तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी एट दी ईयर एंड में ये वाली एंट्री करेंगे इसमें होगा एसपीएल अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अमाउंट बीइंग अमाउंट रिटन ऑफ नाउ द वेस्टिंग डेट अगर ये थी हमारी ईयर एंड डेट ये अज्यूम कर लेते हैं ये ईयर एंड डेट थी हर साल का हमने ऐसे ऐसे करके अपना एक्सपेंस रिकोगनाइज कर लिया एंड वेस्टिंग डेट पर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली एंट्री जो है रिसिप्ट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ये एंट्री कैसे होगी हमें जो एग्रीमेंट किया था कि हम आपसे एक्सरसाइज प्राइस ले लेंगे एंड कंसेशनल रेट पे जो है आपको एश्योर्स मिल जाएंगे तो ये एंट्री किस किससे होगी एक्सरसाइज प्राइस से कि उतना में रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ईएसओ ओके तो ये हमारा रिजर्व काइंड ऑफ क्रिएट होता जा रहा है बट हम यहाँ पर जब शेयर्स वगैरह इशू करेंगे तो वो हम डेबिट कर देंगे मीन्स रिजर्व खत्म तो यहाँ पर रिजर्व क्रिएट होता जा रहा है जैसे यहाँ पर भी रिजर्व क्रिएट हुआ था मतलब ईएसओ क्रिएट हुआ था ईएसओ क्रिएट हुआ था हम रिजर्व में दिखा रहे हैं ना तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कोई मतलब नहीं है जब हम पूरे शेयर इशू कर देंगे उसको यहाँ पर टोटल जो है वर्थ यहाँ पर हमारी आ जाएगी डेबिट हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा एक तरह से अब यहाँ पर एक तो एक्सरसाइज प्राइस हमें रिसीव हो गया तो बिंग अमाउंट रिसीव नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू एक्सरसाइज प्राइस वो एंट्रीज ये वाली हो जाएगी यहाँ पर क्या है अलॉटमेंट ऑफ शेयर नाउ ईएसओ अकाउंट डेबिट मीन्स टू सॉरी पहले एंट्री पढ़ लेते हैं ईएसओ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर्स अलॉटेड हमें एग्रीमेंट तो ये किया था ना कि हमें शेयर्स इशू करने हैं ठीक है तो शेयर्स की वर्थ क्या थी मतलब जो टोटल मार्केट प्राइस क्या था ये एंट्री होगी मार्केट प्राइस से अब अज्यूम कर लेते हैं 110 जो था हमारा टोटल मार्केट प्राइस था एक्सरसाइज प्राइस था हमारा 50 जो यहाँ पे दे रखा है ये हमारा 110 एंड ये हमारा 50 तो हमारा इंट्रेंसिंग वैल्यू कितना निकलता है 60 तो हम अगर ये हमारा इंट्रेंसिंग वैल्यू कितना निकला 60 प्लस एक्सरसाइज प्राइस 50 110 मतलब एक तरह से ये मार्केट वैल्यू जो इसकी वर्थ है उसे एंट्री होगी एंड टू इक्विटी प्रोवाइडेड अगर हम आईवी यूज़ कर रहे हैं एंड फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये वैल्यू एंट्री होती ये वाला जो अमाउंट यहाँ पे किससे आएगा फिर उसकी फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ वो जो होती है नॉर्मली क्वेश्चंस में एंड जो बैलेंसिंग फिगर या फिर इनका टोटल -10 करके बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा तो मतलब कि पूरे के पूरे मैंने जो है शेयर्स यहाँ पर इशू कर दिए यहाँ पर अमाउंट रिसीव हुआ यहाँ पर हमने उनको शेयर इशू कर दिए यहाँ पर था हमारा एक्सरसाइज प्राइस एंट्री यहाँ पर होता है आईवी और एफवी वट एवर द केस मे बी एंड एक्सरसाइज प्राइस प्लस कर देंगे अब उनको शेयर्स हम अलॉट कब करते हैं मतलब जब उन्होंने ये ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया होगा और होता क्या है उसे यू नो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए उस कंपनी में रहना पड़ता है अपनी सर्विसेज वगैरह देनी पड़ती हैं बट अगर वो उस टाइम में रहे ही नहीं उन्होंने उससे पहले ही छोड़ दिया कंपनी वगैरह को ठीक है तो मतलब वो उन्होंने ये अनवेस्टेड ऑप्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं अनवेस्टेड होंगे तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी फॉर कैंसलेशन ऑफ अनवेस्टेड ऑप्शंस तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी अब क्यों नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि अनवेस्टेड है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें क्या होता है नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज अब जो अनवेस्ट है मैं आपको इससे बाद में वो कर देती हूँ अच्छे तरीके से समझा दूंगी जब हम ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ लेंगे अब एक बार जस्ट देख लेते हैं कि फॉर कैंसिलेशन ऑफ अनवेस्टेड में क्या होता है कोई एंट्री नहीं होती अगर हम कैंसिलेशन कर रहे हैं उनकी वेस्टेड में क्या होता है वेस्टेड था मीन्स वो पूरे टाइम के लिए रहे हमारी फॉर्म में बट एट द एंड जब ऑप्शन एक्सरसाइज करने की बात आई उन्होंने ये ऑप्शन अडॉप्ट ही नहीं किया तो हमारा क्या था मीन्स हमने उनके लिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किए जा रहे थे बट एट द एंड क्या हुआ हमें वो देना ही नहीं पड़ा तो हमारा क्या हुआ पहले हमने ये किया था ना से 500 ऑप्शन थे टोटल ठीक है और 50 रुपीज़ था हमारा हमारा एक्सपेंस था मीन्स हमारा इन दोनों का डिफरेंस था हम रिकोगनाइज किए जा रहे थे 500 ऑप्शंस के लिए बट उन्होंने बोला कि हमने एक्सरसाइज नहीं करना तो क्या हुआ मुझे वो एक्सपेंस नहीं देना पड़ा ना मीन्स अगर वो एक्सरसाइज कर लेते तो यहाँ पर क्या एंट्री होती ईएसओ टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बट एक्सपेंस नहीं हुआ मीन्स मैंने खर्चा रिकोगनाइज किया बट मुझे एक्सपेंस नहीं पे करना मीन्स वो मेरा रिजर्व हो गया मुझे बेनिफिट हो गया मुझे इतना देना ही नहीं पड़ा उनको तो ईएसओ ये दोनों कहाँ पे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएंगे बट एक उनका हेडिंग चेंज हो गया पहले ईएसओ के नाम से था अब हमें
नहीं देना पड़ेगा, मीन्स हम रिजर्व में डाल देंगे, हमारा फ्री रिजर्व टाइप हो गया। तो इसकी एंट्री होती है वेस्टेड ऑप्शन की, कैंसिलेशन की एंट्री। और यहाँ पर IVF भी क्यों आएगा, मैं यहाँ पर जो है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में जो एक्सपेंस की दर रिकॉग्नाइज कर रही थी 60 रुपीज़, ठीक है, 110 माइनस 50, 60 रुपीज़ जो मेरा क्या था, IV या फिर FV, ठीक है, इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था। तो जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था उसी को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ना हम, यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे वो मिला ही नहीं, मुझे वो रिसीव नहीं हुआ, तो उसको तो बात ही नहीं बनती रिवर्स करने की। तो IV या फिर FV जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्विकली कि ऑप्शन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे यहाँ पर जो एंट्री कर रहे थे, यहाँ पर ऑप्शन को हमने वही करा था ना, एंट्री करी थी ऑप्शन सॉरी एक्सपेंस की, तो वो कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, वो ये मेथड दे रखा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज, ठीक है, कि मतलब कितना मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड क्या है टू बी एक्सरसाइज इनटू FV और इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी क्या है, इसकी है फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर बोथ गिवन है क्वेश्चन में, इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज इंटू FV और IV डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, टोटल दे रखा है मोस्टली 3 ईयर्स 2 ईयर्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता क्वेश्चन में, एंड ऑलरेडी जो पीरियड एक्सपायर हो चुका है लाइक 2 साल बीत गए, तो या इंटू मतलब यहाँ पर कर लेंगे, एंड जो ऑलरेडी मैंने एक्सपेंस पिछले सालों में रिकोगनाइज किया वो माइनस करके हमारा निकल जाएगा इस 1 साल का यहाँ पर एक्सपेंस जो मुझे एंट्री करनी है EC2 ESO। ना हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बातें यूज होने वाली हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये 6th नंबर पॉइंट इज ऑल कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मीन्स हर साल मुझे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आज मैं अगर खड़ी हूँ फर्स्ट ईयर के एंड में, मुझे ये पता है गिवन है इन्फॉर्मेशन में इतना एग्जिट रेट है, वो एक्सपेक्टेड है ना, इतना एग्जिट रेट है। अब मैं नेक्स्ट ईयर आती हूँ, वो एग्जिट रेट मे बी चेंज हो जाए, उससे क्या होगा, हर साल का एक्सपेंस जो मैं टोटल लाइक टोटल मैंने एक्सपेंस यहाँ पर कैलकुलेट करा, सिर्फ इतना पोर्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपायर पीरियड करके इतना टोटल आ गया, माइनस जो मैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी हूँ वो कुछ कुछ और टर्म्स के बेस पे था, अब ये कुछ और टर्म्स के बेस पे है, तो जो भी एक्स्ट्रा बनेगा वो हर साल मतलब एक्स्ट्रा प्लस ओरिजिनल वो हर साल चार्ज होता रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है ये बात, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तभी हम क्वेश्चन में जब दे रखा होता है एग्जिट रेट 3% 10% और एक्चुअल, तो वो हमारा हर साल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल के अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन वेस्टिंग डेट। तो कैसे कैलकुलेट करना होता है, मैं यहाँ पे कि ये जो है ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पे एक तो हमारे पास टोटल दे रखा होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कर लेंगे, ठीक है, कि हर साल जो है हमारे पास गिवन नॉर्मल गिवन होगा कि इतने छोड़ के चले गए, नेक्स्ट ईयर इतने छोड़ कर चले गए। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड एवरेज रेट ऑफ एग्जिट इज गिवन, अब यहाँ पे लगा हुआ है हैश, हैश देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है एवरेज रेट ऑफ एग्जिट टू बी अप्लाइड ओनली ऑन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ एवरेज रेट दे रखा है ना, मीन्स इसका है क्या, ये टोटल टाइप कुछ दे रखा होगा, तो हम उसे अगर हम यूज़ कर ले तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस निकल जाएंगे, क्वेश्चन में एक तरह देखेंगे तो क्लियरली हो जाएगा। नाउ दे रखा है एस्टिमेटेड रेट ऑफ एग्जिट कम्युलेटिव इज गिवन, कम्युलेटिव का मतलब क्या दे रखा है कि हमें टोटल 3 सालों का दे रखा है कि टोटल 10%, तो उसे यूज़ कर लेंगे एक बार में ही कि टोटल इस बार का गिवन है, ठीक है, लाइक दे रखे 10%, सपोज 20,000 दे रखे हैं ऑप्शंस, तो हम कैसे करेंगे 20,000, जस्ट अ सेकेंड, अभी दे रखा था 10% जो हमारा कम्युलेटिव दे रखा था, तो हम मतलब पूरे 3 सालों का दे रखा है, तो हम एक ही बार यूज़ करेंगे इसको, हमने नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग इसकी पावर नहीं करनी यहाँ पे। 20,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे थे, ठीक है, और 0.10 मतलब 100 में से माइनस करके 0.90 से मल्टीप्लाई करके हर साल इतना यूज़ कर लेंगे। बट अगर हम, ये था कम्युलेटिव वन, नेक्स्ट है इफ़ रेट ऑफ एग्जिट इज़ गिवन नॉन कम्युलेटिव, तो हम इसे क्या करेंगे, लाइक हर साल दे रखा है 3% एनुअली, तो हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे, 3% बोला मैंने, तो मीन 0.97, 3 ईयर्स है सपोज, तो 3 कर लेंगे, तो मतलब इस तरह से हम कर लेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट देख लेते वेरिएबल्स दे रखे होते हैं लाइक कि वेस्टिंग पीरियड हो गया, कभी कभी जो ये वेरी कर सकते हैं ईच ईयर, तो वेस्टिंग पीरियड हो गया लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एस्टिमेटेड ऑन द वेस्टिंग डेट कैन चेंज ईच ईयर, ऑल कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। तो इसके भी क्वेश्चन हैं 5-6 दे रखे हैं स्टडी मेट में, वो भी देख लेंगे एक बार कि कैसे किस तरीके से एक बार समझना है बस। और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, किसी में वेस्टिंग पीरियड अलग की कुछ टर्म्स रखें, किसी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के कुछ टर्म्स रखें, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हाँ मेन थिंग इज ईसॉप्स में आईवी और एफवी, जो भी हम एफवी हमें जो दे रखी होती है आईवी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक ही रहती है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, वो एक क्वेश्चन में एक ही रहती है, ऐसा नहीं है कि हर साल वो चेंज हो रही है, तो रिमेन्स द सेम केस ऑफ ईसॉप्स। सो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, हमें जब निकालना होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एस्टिमेटेड वगैरह हर साल एक्सपेंस को रिकोगनाइज करने के लिए, तो उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसमें देखा क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 100 ईच एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉयज कितने, 20,000 ऑन 1 फॉर 2001, वेस्टिंग पीरियड दे रखा है 3 ईयर्स का। अब यहाँ दे रखा है कुछ एक्सपेक्टेड डाटा एंड ये दे रखा है एक्चुअल डेटा, तो एक्सपेक्टेड देख लेते हैं कि इन्हें लगता है कि 1 फॉर 2001। ओके पहले मैं पढ़ लेती हूँ, मैं फिर बताती हूँ आपको मतलब क्या कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। तो 1 फॉर 2001 को दे रखा है 1%, 31 मार्च 2002 को दे रखा है 2%, एंड 31 मार्च 2003 को दे रखा है 3%। ये था एक्सपेक्टेड, नाउ एक्चुअल दे रखा है कि 2001 एंड 2 में 1 एम्प्लॉय चला गया, 2 3 में 10 चले गए, 3 4 में 13 चले गए, ये अलग अलग दे रखा है, कम्युलेटिव नहीं दे रखा ये। सो कैलकुलेट करना है बेस्ट एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन 1 फॉर 2001, 31 मार्च 2002 एंड 3 एंड एक्चुअल ऑन 31 मार्च 2014 सॉरी 4। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बहुत इजी रहता है अगर आप ट्राई करें एक टाइम लाइन वगैरह ड्रॉ कर लें, इससे बहुत इजी रहता है, आपको पूरा क्वेश्चन का एक लग जाता है आइडिया पूरे डायग्रामेटिकल फॉर्म में कि हाँ ऐसे से स्टार्ट करना है एंड ये डाटा जो है क्वेश्चन में है इसको नहीं छोड़ना, मतलब कुछ भूलना चाहे तो उसके लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एक तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें दे रखे टोटल जो है 200 हमारे पास दे रखे एम्प्लॉयज, 100 ऑप्शन है, तो 20,000 तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड टाइमलाइन ड्रॉ करी 1 2 3 और दे रखा है ये 1 फॉर 2001 बिगिनिंग एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड बोल के रखा है इन्होंने। बेस्ट एस्टिमेट निकाला है मैं यहाँ 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 एंड एक्चुअल निकालना है मुझे यहाँ पे। अब ये सिर्फ क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, मे बी गिवन है ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल है तो यहाँ पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि ये जो है ग्रांडेड है क्या है, सिंपल बता पूछना है बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। बट अगर हम जब क्वेश्चन आगे देखेंगे हम कभी भी ये तो ग्रांडेड पर तो कुछ कैलकुलेट करते ही नहीं, नो एंट्री, तो यहाँ पर जो एग्जिट रेट दे रखा है इसकी कोई भी रेलिवेंस नहीं होती क्वेश्चन में, हमें इसको कभी नहीं यूज करना होता, हमें हमेशा आगे एट द ईयर एंड या फिर ये वेस्टिंग डेट है या फिर ईयर एंड है हमें यहाँ की ही रेलिवेंट होती है तो इसका यूज करना होता है। बट फिर भी क्वेश्चन ने पूछा तो हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है 1% और ये है क्या पर एनम, मीन्स नॉन कम्युलेटिव दे रखा है। ओके एंड सिर्फ 100 मैंने नहीं यूज़ करा, एम्प्लॉयज़ का एग्जिट रेट दे रखा है तो हमें कोई ऑप्शन एक्सपेंस रिकोगनाइज नहीं करना है, तो सिर्फ इतना देख लेते हैं। अब 200 एम्प्लॉयज से 1% एग्जिट रेट तो मतलब 0.99 ही, तो पता ही हो कैसे कैलकुलेट करना है। और हमें आज खड़कर मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1% हमें लगता है हर साल छोड़कर जाएंगे एम्प्लॉयज़, मीन्स हर साल छोड़कर जाएंगे 1% 1% 1%, तो 1% 0.99 इसकी पावर कर देंगे 3 इंटू करेंगे 200 और ये हमारा आ जाएगा इतना एम्प्लॉयज, ठीक है टोटल एग्जिट मतलब एस्टिमेटेड की इतना अडॉप्ट कर लेंगे, ऑप्ट करेंगे ऑप्शन को। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारे एस्टिमेट चेंज होते हैं और हमने बोला था कि हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल को यूज़ करना है, तो 2% यहाँ पर आ गया 0.98 रेज टू द पावर 3 एंड 188.20 आ गया, ऐसे ही यहाँ पर दे रखा 3%, ये एग्जिट रेट की चल रही है लाइन सारी, 3% है तो 0.97 इंटू 3, मतलब ये छोड़ दो 1% 2% था तो था, अब हमें लगता 3%, ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग इतना जो आएगा हर साल एक्सपेंस अलग अलग बुक होगा, पहले वाला माइनस करते जाएंगे और हर साल बढ़ेगा घटेगा वॉट एवर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते जाएंगे एक्सपेंस को। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअल जो दे रखा था उसका हमें क्या करना है, एक्चुअल हमेशा हम कहाँ यूज़ करते हैं जब यहाँ पर पीरियड का एंड हो जाता है यहाँ पर इस पॉइंट पे। ओके कि ये था वेस्टिंग पीरियड, तो वेस्टिंग पीरियड एंड होते ही हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होता है एक्चुअल डेटा, तो डजेंट मैटर यहाँ पर कितना था
या फिर हमें ऐसे भी नहीं करना कि इतना हमारे 2 सालों में 182 ये आ गया था, सॉरी इतना 182.53 था, माइनस हम ये कर दें, बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। एस्टिमेट्स यूज कर लिया, वो तब था जब हम एस्टिमेशन फॉरकास्टिंग कर रहे थे, बट अब क्या है, हमें एक्चुअल डेटा इस बार भी पता था, लेकिन फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि एस्टिमेटेड ही यहाँ पर यूज होना है, बट यहाँ पर हमें पता है कि कितने एम्प्लॉयज एक्चुअली छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर कितने थे टोटल 200, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिल्कुल यहाँ बिगिनिंग से, एक्चुअल यहाँ छोड़कर गए 1 -1, 10 -10, एक्चुअल 13 -13, 176। इस पॉइंट पे कोई भी यूज नहीं है 1%, 2%, 3% एग्जिट रेट का, एंड यही मेन बात है। एक हम पढ़ेंगे, आई डोंट नो ESPP है वो, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान है, या फिर एस वो स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है। इस पॉइंट पे जो है डिफरेंस आता है, मैं उसका टेबल बना दूंगी और बता दूंगी, मतलब इन दो पार्ट्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इससे थोड़े कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाते हैं क्वेश्चन करते वक्त, बट ESOPs में ऐसे ही करना है। यहाँ पर जो है यूज़ कर रहे हैं हमें सारे के सारे एग्जिट रेट एस्टिमेशंस, और यहाँ पर यूज़ करना है हमें एक्चुअल, इस पॉइंट पर भूल जाना सारा का सारा कि ये भी गिवन था, एक्चुअल का यूज़ करना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअल का कुछ भी यूज़ नहीं है। तो ये था नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन जो है आई थिंक PM किसी ना किसी में से है, मैंने पूरे टाइमलाइन ड्रॉ करके सारी फिगर्स वगैरह लिख के ही स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन। और सो जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन, टाइमलाइन ड्रॉ करिए, नेक्स्ट थिंग इज आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, वो फॉर्मूले की भी स्टेप मार्किंग में मतलब मार्क्स वगैरह मिलते हैं, आपने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि आप कुछ भी भूल ना जाए उसमें। एंड टाइमलाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल डेटा, एंड कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सारा कुछ मतलब एक्चुअल डेटा एक बार का दे रखा था, दैट्स इट। अब यहाँ पर दे रखा है बिगिनिंग का एग्जिट रेट, कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि ग्रांटेड है ये। नेक्स्ट दे रखा है जब ईयर एंड होगा, क्योंकि ये वेस्टिंग पीरियड है, एंड ये दे रखा है पूरा का पूरा एक्सरसाइज पीरियड की, यहाँ पर आप किसी भी टाइम पीरियड पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं एम्प्लॉयर को अपने। सो यहाँ पर दे रखा है एग्जिट रेट के जो एस्टिमेटेड है 3%, 10%, एंड यहाँ पर तो एक्चुअल का यूज़ करते हैं, तो गिवन है यहाँ पर, मतलब टोटल 2000 एम्प्लॉयज़ थे और गिवन था 1900 जो है एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर रह गए हैं। एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, 1000 जो है 19 आउट ऑफ 1900 1000 लोगों ने यहाँ पर बोला कि हमें एक्सरसाइज करना है ऑप्शन, तो यहाँ पे हम रिकोगनाइज करेंगे। फिर 500 लोग नेक्स्ट ईयर एंड पे फिर बोलते हैं कि 500 वाले लोग हमने ऑप्ट करना है, तो हो गए टोटल 1500, टोटल रह कितने गए थे 1900, 400 क्या हुआ लैप्स कर गए। तो हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करनी है इस क्वेश्चन में, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, और इस क्वेश्चन में एफ वी गिवन थी 15 रुपीज़, एफ वी गिवन है, एंड 2500 जो है 2500 था, सॉरी यहाँ पे 1900 था जो टोटल, सॉरी 1900 यहाँ पे बोल रखा था, एंड टोटल 2500 थे, 2000 नहीं थे, बाय मिस्टेक हो गया वो, एंड 2500 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एग्जिट रेट था कितना 3% एस्टिमेटेड, इसका यूज़ नहीं करना, 3% बहुत सेम है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे, ये वाला यूज़ नहीं हो रहा, ये वाला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो वही 0.97 raised to the power 3, क्योंकि 3 ईयर्स दे रखे हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस ये वाले दे रखे हैं 500, इंटू फेयर वैल्यू करनी, टोटल पीरियड है 3 ईयर्स, 1 एक्सपायर पीरियड है, क्योंकि हम 1 साल यूज़ कर चुके हैं, हम 1 साल बीत चुका है, तो इसलिए अभी 1/3 ऑलरेडी एक रिकोगनाइज कुछ नहीं किया गया, तो हमारा इतना आ गया। नेक्स्ट ईयर क्या था हमारा, नेक्स्ट ईयर एग्जिट रेट है 10%, तो क्या करना है हमें, फिर से स्टार्ट करना है, 0.90 raised to the power 3 करना है यहाँ पे, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड 2500 0.93, तो जो मैंने हैश और स्टार मार्क करवा, तो ये मतलब हैश ये वाला यहाँ पर यूज़ हुआ है, स्टार यहाँ पर यूज़ हुआ है, ऐसे मार्क किया हुआ मैंने, वही इंटू 500 इंटू वही एफ वी इंटू 2/3 करके ऑलरेडी रिकोगनाइज को यहाँ पे माइनस कर दिया, इतना आ गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल लिख लीजिए जो स्टार्टिंग में थे, माइनस जो पूरे के पूरे इतने पीरियड में एक्चुअल में छोड़कर चले गए, टोटल दे रखा था एक्चुअल 1900, मीन्स वही -600, क्योंकि 1900 आया, इंटू 15 सॉरी 500 इंटू 15 इंटू 3/3, और ये क्या है, ये और ये इतना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ना, तो इतना माइनस करके हमारा इतना आ जाएगा इस साल का। नाउ ऑन द डेट ऑफ ग्रांट कोई एंट्री नहीं होती, एंड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ECTO हमारा ये वाला अमाउंट था, ये वाला, एंड इसे डाल दिया हमने SPL में, हो गया। ये था 2003
एंड स्टार्टिंग वाली एंट्री, फिर एंड वाली एंट्री. स्टार्टिंग मतलब सॉरी कोई एंट्री नहीं होती, 2004 का चलते हैं. एंड वाली ऑब्वियसली एट द ईयर एंड एंट्री होगी ये वाली. एंड ये डाल दिया हमने एसपीएल में इसे. एंड फिर से वही 2005 में ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज एंड एसपीएल आ गया. एंड नेक्स्ट देखते हैं 2007, क्योंकि सिक्स में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार. सिक्स में जो है कोई एंट्री हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो था वेस्टिंग पीरियड चल रहा था, ये चल रहा है एक्सरसाइज पीरियड. सी 2006 एंड में किसी ने नहीं बोला कि हमें ऑप्ट करना है, तो यहाँ पर क्या है कोई एंट्री नहीं होती. 2007 में उन्होंने बोला था 1000 एम्प्लॉयज़ ने, इंटू 500 था नंबर ऑफ ऑप्शंस था, एंड 50 रुपीज़ था हमारा, सपोज 50 रुपीज़ एक्सरसाइज प्राइस था. जस्ट सेकेंड में यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2500, एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस भी लिख देते हैं यहाँ पे कितने हैं. नंबर ऑफ ऑप्शन इज 500, एक्सरसाइज प्राइस दे के 50, फेयरवेल दे के 15 रुपीज़. तो अब हमें क्या हुआ, 1000 जो ऑप्ट किया, 500 नंबर ऑफ ऑप्शंस, 50 रुपीज़ हमारा एक्सरसाइज प्राइस जो हमें मिलेगा, इतना हुआ टोटल एक्सपेंस मेरा. 2 ESO कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट हम 1000 वही एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर रहे हैं, उनको इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. तो 1000 इंटू 500 इंटू क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस प्लस फेयर वैल्यू, टोटल जितना मतलब मार्केट प्राइस था, जो टोटल वर्थ थी, क्योंकि इतने के शेयर्स जो है उन्हें इशू हो गए. एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में वही ₹10 क्या हुआ उसका फेस वैल्यू हुआ. बैलेंसिंग फिगर या फिर कैलकुलेट कर लीजिए कि मतलब 65 माइनस 10 करके 55 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी. नेक्स्ट 2008 के एंड में क्या हुआ था, 500 इम्प्लॉयज़ और बोलते हैं कि हमें ऑप्ट करना है. तो 500 इम्प्लॉयज़, 500 ऑप्शन, 50 रुपीज़ हमारा एक्सरसाइज प्राइस मिल गया हमें. एंड वही 500 इंटू 500 को हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं. वही 50 हमारा एक्सरसाइज प्राइस, 500 50 हमारा फेयर वैल्यू, इतना हुआ ESC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ये एंट्री हमारी बैलेंसिंग फिगर से हो गई. एंड नेक्स्ट जो 400 जो था लैप्स कर गया था. अब यहाँ पर मेन बात क्या है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये जो हमें कैंसिलेशन करनी है ये अनवेस्टेड है या वेस्टेड है. ऑब्वियसली वेस्टेड है ये, क्योंकि 1900 तो टोटल यहाँ पर वेस्ट कर चुके थे. 2500 में से 2500 टोटल, 1900 वेस्टेड हो गए, एंड 600 अनवेस्टेड ऑप्शन, वो कैंसिलेशन करना ही, कोई एंट्री नहीं होती उनकी कैंसिलेशन की, क्योंकि हमने को इनका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया था. एंड लेकिन इनका तो हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था ना एट द एंड तक हम करते आए थे, बट फिर भी ये बोलते हैं कि हमें ऑप नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इनकी कैंसिलेशन की एंट्री इनकी होती है. क्या था, ESO जो हम इनका रिकॉग्नाइज किए जा रहे थे, रिजर्व में डाल रहे थे, 30 लाख रुपीज़ था. हुआ कैसे ये, 400 एम्प्लॉयज़, 500 ऑप्शंस, यहाँ पर वही 50 रुपीज़ क्या है एक्सरसाइज प्राइस. मैंने जानबूझ के कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि नहीं लिखना है पता कि याद रहे. 15 रुपीज़ था फेयर वैल्यू, जो मतलब जिसके लिए हम कब से एक्सपेंस रिकोगनाइज करते आ रहे थे, वो बोले नहीं ऑप्ट करना, तो उसे डेबिट किया एंड डाल दिया. सारा प्रॉफिट हो गया, मतलब मेरा फ्रीजर हो गया, ये हमें डाल दिए जनरल रिजर्व में. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 600 जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने तो वेस्टिंग कंडीशन को फुलफिल नहीं किया था, तो वो अनवेस्टेड एम्प्लॉयज़ ऑप्शंस के लाएंगे एंड उनकी कोई कैंसिलेशन की एंट्री नहीं होती है. एंड हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस टॉपिक करने इज से. स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, इसे हम बोलेंगे SAR इन शॉर्ट फॉर्म. सो ESOPs एंड स्टॉक अप्रिसिएशन SAR जो है काइंड ऑफ सिमिलर है कुछ टर्म्स में, ठीक है, कि हर साल हमने उनका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है. एंड वो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ ऑप्शंस कुछ टाइप का ऐसे होता है, बट हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये ESOPs हैं फिर SAR है. तो सॉरी प्लस थोड़ी सी राइटिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक्चुअली मेरे पुराने नोट्स हैं, तो प्लीज़ बेयर विद मी. एंड देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. SAR जो है वी मेंशन देयर, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा एम्प्लॉय हैव अ राइट टू क्लेम कैश पेमेंट. तो ये होता है कैश सेटल्ड, वहां पर क्या होता है हमें डिस्काउंटेड शेयर्स मिलते हैं, ये क्या होता है कैश सेटल्ड, ठीक है. इतने ऑप्शंस हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, और फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उतना अमाउंट जो है क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से. अब तो मतलब अगर ये लिखा होगा दैट मींस ये SAR वाला क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, मैंने बोला था कि ESOPs में क्या होता है, IVFE सेम रहती हैं सब ईयर्स में, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, और यही मेजर डिफरेंस है इसमें. ESOPs में क्या, ESOPs की अनलाइक ESOPs अ फेयर वैल्यू विल चेंज एवरी ईयर, हैंस लाइबिलिटी वैल्यू विल बी रिवाइज्ड एट एवरी एंड. वहाँ पर भी था मतलब कि रिवाइज होती थी, प्रोवाइडेड कि अगर कोई एग्जिट रेट में मतलब एक्सपेक्टेशन था, फॉरकास्टिंग वगैरह चेंज हुई, लाइक एग्जिट रेट वगैरह हो गया, फिर वेस्टिंग पीरियड वगैरह चेंज हो गया, तो मतलब उसके वो वेरिएबल्स थे. बट यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू एक वेरिएबल ही है,
हेंस लाइबिलिटी विल बी रिवाइज एट एवरी ईयर एंड, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रिवाइज होगी कि हम अलग अलग फेयर वैल्यूज दे रहे हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इसका. एंड जैसे हम बनाते थे वहाँ पे ESO अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट, ESOPs में यहाँ बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर SAR, लाइक ESO के प्लेस पर प्रोविजन फॉर SAR. तो एंट्री वही है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ESO के प्लेस पर प्रोविजन फॉर SAR आ जाएगा. नेक्स्ट जब हम सेटलमेंट करने लगेंगे प्रोविजन फॉर SAR, तो जैसे मैंने बोला कि ऊपर लाइबिलिटी विल बी रिवाइज होगी एट एवरी ईयर एंड, ठीक है, तो जो भी प्रोवाइडेड लाइबिलिटी मतलब जिसका मैंने प्रोविजन बनाया था लाइबिलिटी का, एंड जो सेटल लाइबिलिटी होगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, लाइक प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया एम्प्लॉयर को, तो उसे हम क्या करेंगे SPL में डालते रहेंगे, मतलब हर साल SPL में उसका ट्रांसफर करते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज द केस में भी ना हो. हमें जब अगर एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है तो मतलब वो कैसे करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे. वही मैंने बात बोल रखी है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होगी, नंबर ऑफ ऑप्शंस होगी, एंड लेटेस्ट फेयर वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, ये हमने अमाउंट निकाल ली है, क्या हुई सेटल्ड लाइबिलिटी की अमाउंट होगी. इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, प्रोवाइडेड लाइबिलिटी से, एंड जो भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह होगा वो हम डाल देंगे किसमें, SPL में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे. नाउ दिस वन इज ऑल्सो अ मेजर डिफरेंस, सेकेंड मेजर डिफरेंस, ESOPs में क्या दे रखा था, 2% अगर एग्जिट रेट दे रखा होता है, लाइक हर साल चेंज होता है एग्जिट रेट, वहाँ पर एक वेरिएबल की तरह काम करता है, एंड यहाँ पर भी वेरिएबल ही हो सकता है. तो एग्जिट रेट अगर हमारा 2% दे रखा है, तो हम ESOPs में कैसे करते हैं, मैंने बोला था कि 1 2 मतलब जस्ट अ सेकेंड, कि एग्जिट रेट अगर गिवन है हमारा, तो यहाँ पे 3% के अकॉर्डिंग हर साल यूज़ करते रहेंगे हम, कि 0.97 रेज़ टू द पावर 3, अब ऐसे 10% है तो 0.90 के रेज़ टू द पावर 3 करते रहेंगे. बट SAR में क्या होता है, जैसे एक ईयर बीत चुका है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर का एक्चुअल, हमें पता है ना कि फर्स्ट ईयर तो बीत चुका है, ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है वैसे मुझे, एक ईयर बीत चुका है, हमें पता है कि इस साल इतने लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया हमारे एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उस ईयर का, सिर्फ उस फर्स्ट ईयर का हम एक्चुअल डेटा लेंगे, यहाँ पर एक्चुअल दे रखा है, एंड रिमेनिंग 2 ईयर्स का हम लेंगे एक्सपेक्टेड, लाइक 0.98 0.98, यहाँ पर रेज टू द पावर मतलब 2 करना पड़ेगा, 3 नहीं करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एक्चुअल यूज़ होगा देन 2 ईयर्स का एक्सपेक्टेड यूज़ होगा, एंड ये ज़्यादा लॉजिकल भी लगता है मुझे. तो ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे आगे, एग्जाम्पल वगैरह जो भी होते हैं. नेक्स्ट हम कर लेते हैं ESPP, एम्प्लॉई शेयर परचेज प्लान. अब ये है एम्प्लॉई शेयर परचेज प्लान. अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कीवर्ड यूज होगा लॉक इन ट्रांसफर, तभी आपको समझ आएगा कि मतलब ये जो है एम्प्लॉई स्टॉक शेयर ESPP वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो लॉक इन ट्रांसफर या फिर रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स पे. ओके, नाउ कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है शेयर्स एट अ कंसेशनल रेट, लाइक जो हमने इस ऑफिस में पढ़ा था, ठीक है, बट वहाँ पर, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मतलब होती है ट्रांसफर वगैरह पे, एंड कुछ ज़्यादा है नहीं इसके बारे में, मतलब नोट्स वगैरह में मेरी मेन नोटबुक में भी, तो मतलब मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ. सो यहाँ पर भी कुछ 3 4 वो दे रखे होंगे, प्राइजेस रुपीज फिगर्स वगैरह दे रखे होंगे, क्या होगा नॉमिनल वैल्यू दे रखी होगी, लाइक जो फेस वैल्यू होती है, एंड मार्केट प्राइस दे रखा होगा जो हर मतलब ESOPs में था, फेयर वैल्यू दे रखी है, ये फेस वैल्यू यानी फेयर वैल्यू, एंड कंसेशनल रेट लाइक जो 40 रुपीज़ जो दे रखा है ऑफर्ड, जैसे कि हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं ESOPs में, एंड इसकी एंड ये सारी दे रखी हैं टर्म्स वगैरह, ठीक है, बट इसमें जो मार्केट प्राइस दे रखा है इसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला, कोई यूज़ नहीं है इसको, इस पर्टिकुलर टर्म का, ठीक है, नॉमिनल वैल्यूज़ होगी, कंसेशनल रेट यूज़ होगा, एंड फेयर वैल्यू भी यूज़ होगी, बट ये वाला जो टर्म यूज़ नहीं होने वाली, सिर्फ मुझे इतना पता है इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में कुछ और. तो ये जो है एंट्री कंसेशनल रेट पे है, तो मतलब एम्प्लॉई जो है कंपनी को रुपीज़ देगा, पैसे देगा, एंड वो जो है उसको कंसेशनल रेट पर शेयर्स इशू कर देंगे. नाउ ये जो है मनी गिवन टू द कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, एंड जो भी मतलब, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी उनका एक्सपेंस है हम वहाँ पर हर साल रिकॉग्नाइज कर रहे थे, यहाँ पर इसी एंट्री में कर रखा कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कितना, कंपेयर किससे करना है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम कर रहे थे मार्केट वैल्यू माइनस जो एक्सरसाइज प्राइस था वो निकल रहा था इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर हमारे पास दे रखी थी फेयर वैल्यू. ओके, हम यहाँ पर क्या करना है कि फेयर वैल्यू जो है शेयर्स का, थिंग इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी क्रैम किया हुआ था, मुझे लॉजिक कुछ भी नहीं पता, तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मार्केट रेट माइनस कंसेशनल रेट करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फेयर वैल्यू माइनस में करना है कंसेशनल रेट, वो यूज़ करना है आपको, दैट्स इट. तो यही दे रखा है यहाँ पर कि हमारा फेयर वैल्यू दे रखा है 48,
ये लड़का फेयर वैल्यू 48, माइनस क्या करा मैंने कंसेशनल रेट 40 रुपीज़, ठीक है, मतलब 8 जो है मैं उसको एक्स्ट्रा जो मतलब सॉरी इतना मैंने उनको डिस्काउंट दिया, तो मतलब मेरा एक्सपेंस हो गया, एंड 40 रुपीज़ वो मुझे पे कर रहा है, दिस इज़ अ कंसेशनल रेट, वो मुझे पे कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गई ये वाला डेबिट पोर्शन। नाउ यहाँ पर यह करना है टू बी शेयर, टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट किया वही 10 रुपीज़ जो इसका होता है फेस वैल्यू पार वैल्यू हुआ, एंड बैलेंसिंग फिगर इज सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड नाउ ये जो एक्सपेंस है वो हमें कहाँ करना है, वो हम डाल देंगे इसे ट्रांसफर कर देंगे इसे SPL अकाउंट में। तो मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ही पता है, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ इसके बारे में, और इसके आई थिंक एक ही दो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस मैनुअल में, वो भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं ये शेयर ऑप्शन प्लान विद कैश ऑल्टरनेटिव। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर ऑप्शन प्लान्स विद अ कैश ऑल्टरनेटिव, एंड अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है शेयर ऑप्शन प्लान विद कैश ऑल्टरनेटिव, मीन्स ये क्या है, कॉम्बो है किसका, SAR स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है ना, ESOPs का। ओके वहाँ पर क्या था, हमें SAR में कैश ऑल्टरनेटिव ही था, ESOPs में क्या था, आपको शेयर्स मिलने वाले एट कंसेशनल रेट। यहाँ पर दोनों हमने दोनों ऑप्शंस को कंबाइन कर दिया, और कंपनी बोलती है एम्प्लॉयर को सॉरी कंपनी बोलते हैं एम्प्लॉय को कि उन्होंने आपको ऑफर कर रहे हैं शेयर्स, आप या फिर उसे कैश ले लीजिए, मतलब उसकी वर्थ जो कैश में ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए शेयर्स, ठीक है। ये एम्प्लॉय की उस पर होता है, ऑप्शन पे होता है कि उसने क्या ऑप्ट करना है ऑप्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पर दे रखा है बहुत ईजिली, मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एंड करते हैं कि ईसॉप्स अगर हम वो हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना एक्सपेंस, बट ऐसा नहीं है कि ईसॉप्स का भी टोटल यहाँ पे कर दिया, कैश कर लिया तो टोटल यहाँ कर लिया, कुछ अलग ढंग से होगा इसमें। तो अगर ईसॉप्स के ऑब्लिगेशन है कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसकी कैसे ना करनी नेक्स्ट है, टू वन थिंग, हम पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, एंड जब भी मैं कुछ भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अपना एग्जाम्पल वगैरह, तो वो मेरे नहीं बनाया हुआ, वो प्रवीण शर्मा सर की क्लासेस जो मैंने ली थी मैं उसी का ही यूज़ करती हूँ, मैं एग्जाम्पल नहीं बना सकती, मतलब अभी तो मतलब अभी तक तो नहीं बना सकती। सो इस एग्जाम्पल को अगर हम कर लेंगे ना, तो हमें बहुत इजीली पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, फिर जाके हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा ज़्यादा इजीली समझ आएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तो दे रखा है। अब मेन थिंग इज जब वो शेयर अल्टरनेट अडॉप्ट करेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स को डिफरेंट है, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर 15,000, एंड अगर कैश ऑल्टरनेट चूज करेगा तो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स की मतलब वर्थ अगर बोले तो डिफरेंट है, मतलब शेयर्स डिफरेंट वर्थ लेगा। ओके एंड अगर हमने अच्छे तरीके से ईसॉप्स कर लिया, मतलब क्वेश्चन को छोड़े अगर हम ईसॉप्स कर लिया, SAR कर लिया, तो क्या होता है, ईसॉप्स और SAR में क्या डिफरेंस है, ईसॉप्स में फेयर वैल्यू और आईवो वॉट एवर वो सेम होती है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी, बट कैश ऑल्टरनेट मीन्स SAR में जो है वो हर साल डिफरेंट होती है, इसलिए हमारी जो होती है प्रोवाइडेड लाइबिलिटी हर साल वैरी करती है। अब यहाँ पर देखा फेयर वैल्यू हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, फेयर वैल्यू जो है ये ईसॉप मतलब शेयर ऑल्टरनेट के लिए है, एंड जो कैश ऑल्टरनेट के लिए कौन सा है, ये हर साल फेयर वैल्यू चेंज होने वाली है। ओके इन्वेस्टिंग पीरियड दे रखा है 3 ईयर्स। नाउ एम्प्लॉइज अगर ऑप्ट करता है कैश में या फिर शेयर में, तो कैसे क्वेश्चन करना है, नाउ आंसर होता है स्टार्ट यहाँ से। ओके एंड अब क्या करना है कि पहले देख लेते हैं शेयर ऑब्लिगेशन कितनी है हमारी, 15,000, एंड फेयर वैल्यू सेम रहने वाली है, 15,000 × 25 इतना लाइबिलिटी बनता है, एंड अगर कैश ऑल्टरनेट वो चूज़ करेगा तो कितना आएगा, 12,000 × 25, अभी की बात कर रहे हैं, जो ये डिफरेंट डिफरेंट फेस वैल्यूज़ है और फेयर वैल्यूज़ है इसको हमने आगे यूज़ करेंगे, अभी की जस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 12,000 × 25 करके 3 लाख आ गया, डिफरेंस कितना है, 75,000। मीन्स अगर वो कैश ऑल्टरनेट मीन्स अगर मतलब हमने मैंने बोला था ना पहले कि ऐसा नहीं है कि टोटल की टोटल की हम मतलब टोटल वर्थ जो है शेयर ऑब्लिगेशन की इसका अलग बनाते रहे प्रोविजन, इसका अलग बनाते रहे प्रोविजन, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर टोटल देखा जाए 375 टोटल बनती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर वो शेयर ऑब्लिगेशन ले लेगा तो कितना देना पड़ेगा, 375। ओके बट उसमें से कह रहे हैं कि कैश ऑल्टरनेट के लिए 3 लाख तो बन रहा है। ओके नेक्स्ट रिमेनिंग हम क्या करते हैं, रिमेनिंग के लिए बना लेते हैं हम ESO, मतलब ESOPs के अकॉर्डिंग बना लेते हैं 3 लाख, तो हम कैश ऑल्टरनेट में बना ही रहे हैं, क्यों हम अलग से 3 लाख का बनाए, 375 का बनाए, तो सिर्फ एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए ESOPs बनाएंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है आपको करना है या नहीं करना, 75,000 जो है हमें बनाना पड़ेगा ESOPs, नंबर ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ESOPs में, 15,000। ओके तो 75,000 डिवाइडेड बाई 15,000 करके इज इक्वल टू ₹5, मीन्स 15,000 × 5 करके अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा जो है ESOPs बनाना पड़ेगा, 3 लाख रुपीज़ हमें कैश ऑल्टरनेट बनाना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आपको किसी और वे में भी कर सकते हैं, मैं बताती हूँ नेक्स्ट करके।
नाउ अब हमें एक्सपेंस ऑर्गेनाइज करना है ना, इसका यूज क्या था, इस वाले का यूज क्या था, सिर्फ ई सॉप्स निकालने के लिए, दैट्स इट। क्योंकि कैश ऑल्टरनेट में तो हर साल चेंज होती है फेयर वैल्यू, ठीक है ना। पहले थी 25 एंड कैश ऑल्टरनेट में ईयर वन में क्या 20% अप हो गया, मीन्स 25 + 20% 30 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 30, 30 में +10% 33, +15% 37.95। यहाँ गिवन है 10% 15% इसका यूज़ हो रहा है, 30, 33 एंड 37.95, ये वेरिएबल होता है कैश ऑल्टरनेट में, पता ही हमें। 12,000 जो है कैश ऑल्टरनेट में नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो चूज कर सकता है, एंड इंटू 1/3, 2/3, 1 और 3/3, तो पहला निकल गया 1,20,000। माइनस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जीरो माइनस हो रहा है, और यहाँ माइनस हो रहा है ये वाला, यहाँ माइनस हो रहा है, सॉरी यहाँ माइनस हो रहा है ये दोनों, ये आ गया एंड ये हमारे हर साल का एक्सपेंस निकल गया। अब हम देख लेते हैं इसकी एंट्रीज, सॉरी मतलब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ना, वो था कैश ऑल्टरनेट में कितना एक्सपेंस निकला। अब शेयर ऑल्टरनेट में कितना एक्सपेंस निकलेगा, मैंने बोला था 75,000 निकला, वो तो टोटल है ना, ड्यूरेशन कितने 3 ईयर्स, तो 75,000 को डिवाइड कर दीजिए अगर हम 3 ईयर्स से, तो मतलब हर साल जो है 25,000 मुझे एक्सपेंस ऑर्गेनाइज करना है। या फिर एक तो ये नॉर्मल हो गया 75,000 डिवाइड बाई 3 करके, या फिर जो हमने निकाला था अभी 75,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 5 रुपीज़ वर्थ निकली थी, वैसे कर लीजिए 15,000 इंटू जो नॉर्मल, अगर आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना है तो 15,000 इंटू 5, 25,000। हर साल सेम ही निकलना है क्योंकि शेयर्स भी वही हैं, कोई एग्जिट रेट तो है नहीं इसमें, और वर्थ भी सेम ही है क्योंकि सेम होती है वो हर साल में, तो वो -25,000 -50,000 हर साल सेम ही निकलना है, तो मतलब जो मर्जी देख लीजिए, ठीक है। तो हम हर साल कर करके टोटल 75,000 यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि सेटलमेंट कैसे होगी लाइबिलिटी के, तो उसमें बोलता है कि अगर कैश ऑल्टरनेट उसने चूज कर भी लिया तो वो कितना कर लेगा, कितना वर्थ देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा हमें कितना जो यहाँ निकाला था हमने 1,20,000, 144, 191,400, तो वो दे देगा 240,55, ज़्यादा हो गया है, तो ये 4,55,400 हमें पे करना पड़ेगा, ओके अगर हम कैश ऑल्टरनेट चूज करते हैं। बट अगर वो ई सॉप्स चूज कर लेगा तो क्या करेंगे, 75,000 तो ई सॉप्स में ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इतना वर्थ हम कैश ऑल्टरनेट से यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। मैं आपको एंट्रीज में दिखाती हूँ कैसे करेंगे। आप देख लेते हैं एंट्रीज में क्या कर रखा है, पहले 2 सालों की एंट्रीज कर रखी है, 2 सालों की एंट्रीज कर रखी है। अगर कैश ऑल्टरनेटिव होगा तो क्या करेंगे, जो था 1,20,000, 144, 000, तो वो एक्सपेंस की एंट्रीज कर रखी है। अगर एंड ईसो की क्लेम क्या करें, 25,000 एंड अगेन 25,000, तो 2 सालों की इधर कर रखी है हमने एक्सपेंस रिकॉग्निशन की एंट्रीज इन्हीं के अकाउंट में। एंड नेक्स्ट इज जब हम बात करते हैं सेटलमेंट टाइम की, तो उस टाइम क्या होगा, कैश ऑप्शन अगर हमारा आता है तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था ना इतना 260,264,000, वो एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया यहाँ पे, ओके। एंड उस साल का एक्सपेंस था कितना, 191,400, इतना ही हमें पे करना है, हमारा इतना बैलेंस बन गया, हमने पे कर दिया। एंड व्हाट अबाउट दैट 40,75,000, वो हमारा हो गया एक्सपेंस कि हमने, सॉरी वो हमारा हो गया रिजर्व कि हमने रिकॉग्नाइज किया था बट मुझे पे नहीं करना पड़ा, तो वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। बट व्हाट इफ अगर वो शेयर ऑप्शन चूज कर लेता है, कैश ऑप्शन हो गया ना, शेयर ऑप्शन चूज कर लेगा तो क्या होगा, प्रोविजन फॉर जो SAR था हमारा, उसमें बैलेंस पड़ा था कितना, जैसे कि 264,000 पड़ा था, एंड इस साल का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, शेयर ऑप्शन अडॉप्ट करा एम्प्लॉय ने, तो जितना भी यहाँ पर बैलेंस आता है वो सारा हम डाल देते हैं यहाँ पे शेयर ऑब्लिगेशन अकाउंट में, ESO अकाउंट में, ओके। वो हमने यहाँ पे डाल दिया 4,55,400, बैलेंस ऑलरेडी था कितना यहाँ पे 50,000 प्लस इस साल का एक्सपेंस 25,000, तो 4,55,400 कहाँ से आया, शेयर प्रोविजन फॉर SAR अकाउंट से यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड हमने क्या करा, ईसो है मतलब ईसोप्स ऑप्शन है, तो क्या करेंगे हम, 15,000 था ना हमारा उसमें शेयर ऑब्लिगेशन में, तो 15,000 इंटू 10 क्या हुआ उसका पार वैल्यू, वो हमने क्या करा, इसको शेयर इशू कर दिए। एंड जो बैलेंसिंग फिगर कितना आया वो हमारा डाल देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ओके ना। तो मतलब इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर वो कैश ऑल्टरनेट करता है तो क्या होगा, कि जितना हमने बनाया था 4,55,400 वो हम डाल मतलब हम पे कर देंगे उसे, कैश ऑल्टरनेट है, शेयर ऑप्शन शेयर इशू नहीं होते कैश ऑल्टरनेट में, एंड शेयर ऑब्लिगेशन क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बन के, हमारा फ्री रिजर्व बन के हमारा जर्नलिज्म में चला जाएगा। शेयर ऑप्शन में क्या होगा कि जो प्रोविजन फॉर SAR बना रखा था
वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन में, और इसका जो खुद का था टोटल करके हम उनको शेयर इशू कर देंगे, और यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे एंट्री होगी। तो मतलब एट द एंड क्या निकला कंक्लूजन कि हमें दोनों का अलग अलग नहीं बनाना, कैश ऑल्टरनेट सब्सटैंशियल अमाउंट का बन गया, रिमेनिंग बना देंगे हम ईसॉप्स का। तो ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। सो ये सारे के सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एंड ये क्लास एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं फॉर श्योर नेक्स्ट क्लास में हम पीएम और एसएम के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एंड जो मुझे लगता है कोई एडिशनल क्वेश्चन है प्रवीण शर्मा सर की बुक का, मैं वो भी कवर कर लूँगी ट्राई करने का उस बुक में। एक्चुअली बहुत लंबी क्लास होती है, तो मतलब एक दिन का मेरा नेट लिमिट भी क्रॉस हो जाता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा लंबी क्लास अगर हुई तो वो क्लास अपलोड ही नहीं हो पाएगी। सो प्लीज़ आई होप आपको समझ आ रही होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारा समझ आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन करा, एंड अगर स्टिल कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।